तो आ गया है इस तरफ मेन रास्ता से, आपको दाहिनी तरफ जाना पड़ेगा, दाहिनी तरफ जाने से सीधा पड़ेगा। नमस्कार यारों, मैं हूँ रॉकी और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज के दिन आया हूँ नैनान में। तो मकसद ये है कि कोलकाता में पिकनिक स्पॉट, तो कोलकाता के कितने पिकनिक स्पॉट्स हैं वो हर बार मैं चैनल में दूंगा। तो आप पिकनिक कहाँ कहाँ कर सकते हैं कोलकाता में और इन एंड अराउंड कोलकाता में, तो उसका वीडियो मैं देता रहूँगा। तो इन एंड अराउंड कोलकाता में कहाँ कहाँ पिकनिक स्पॉट्स हैं, तो जहाँ पर आप लोग आ सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं, फैमिली को लेकर आ सकते हैं, दोस्तों को लेकर आ सकते हैं, और कहाँ पर आप अच्छी तरह पिकनिक कर सके, तो हर एक जगह दिखाऊंगा कोलकाता के इन एंड अराउंड कोलकाता में कहाँ कहाँ अच्छे बेहतरीन पिकनिक स्पॉट्स हैं। तो ये जैसे जगह है, ये पहले बुकिंग करना पड़ता है। ये जगह जगह देख रहे हैं भीतर की तरफ है, तो बहुत ही सुंदर जगह है ये। नैनान जगह है, नैनान के रामनगर जगह है। और यहाँ पर ये जैसे होटल भी देख सकते हैं, यहाँ पर होटल में रह भी सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पर होटल भी हैं। तो आप अगर किसी का इरादा हो यहाँ पर रहने का तो यहाँ पर आप रह भी सकते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है, एकदम गंगा के तट पर है और बहुत ह्यूज बड़ा जगह है। और सिर्फ ये जगह ही है बुकिंग करने के लिए। और बाद बाकी जगह जो ये सिर्फ ये जगह है बुकिंग करने के लिए, बाद बाकी जो जगह है यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस है। सुबह अगर आए तो आपको स्पॉट, अच्छा सा स्पॉट देखकर ऐसे ऐसे स्पॉट देखकर आप खाना बनाइए। तो यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के हिसाब से है, यहाँ पर आइए। गंगा के तट पर कहीं पर भी आप डेरा जमा कर बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत अच्छे अच्छे जगह है यहाँ पर। इजीली आपका फोर व्हीलर यहाँ पर भीतर आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रखने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भीतर भी बहुत सारे हैं विलास हैं, यहाँ पर भी आप रह सकते हैं, यहाँ पर भी आप पिकनिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका भाड़ा लगता है। और यहाँ पर अगर बाहर करेंगे जैसे गंगा के नट तट पर, तो यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। स्पेशली सैटरडेज एंड संडेज बहुत ही भीड़ रहता है, स्पेशली सैटरडे और संडे बहुत ही भीड़ रहता है। तो अगर आपको सैटरडे अगर संडे करना पड़े, करना हो, तो आपको एकदम पहले आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर स्पॉट मिलेगा नहीं। तो ये नैनान का ये पहला स्पॉट है, और एक दूसरा जगह स्पॉट है वहाँ पर मैं आप लोग ले जाऊँगा, वो जो जगह देख रहे हैं उसके बाद ही है। गुड़ खाना हो लिक्विड गुड़ हो या सॉलिड गुड़ हो, तो यहाँ से आप लोग खरीद सकते हैं। यहाँ पर एकदम ताज़ा ताज़ा आप लोगों को मिलेगा, यहाँ पर कोई मिलावट नहीं होता, कुछ नहीं होता। दुकान से जो आप खरीदते हैं वो यहाँ पर एकदम फ्रेश, एकदम फ्रेश, मतलब तो यहाँ से पेड़ से रस काटते हैं, उसके बाद जो प्रोसेस है गुड़ बनाने का पूरा यहाँ पर होता है। तो अगर किसी को अगर खाना हो गुड़, और वो गुड़ का वीडियो मेरे चैनल में है, और आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड में अभी इसका लिंक भी आ रहा होगा, कार्ड आ रहा होगा, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुड़ कैसे बनता है, पूरा प्रोसेस है, पूरा मेकिंग प्रोसेस है, तो उसको आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया गुड़ बनाते हैं यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया, एकदम फ्रेश। पिकनिक आना हो, गुड़ का मज़ा भी लेना हो, तो यहाँ पर आप ज़रूर आ सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे जगह है। ये सारे पिकनिक स्पॉट्स हैं,
और दूसरा जो यहाँ पर नैनान का दूसरा पिकनिक स्पॉट है उस तरफ, जो जो देख रहे हैं जहाज का ये जो डॉक देख रहे हैं वो उस तरफ है, तो उसका रास्ता भी दिखाता हूँ। यहाँ से शॉर्ट पड़ेगा, यहाँ से दिखाता हूँ। ठीक है, सैटरडे संडे हाँ ये सब जगह स्पॉट्स हैं, यहाँ पर आप बुक पिकनिक कर सकते हैं। जैसे कि आज सैटरडे या संडे है नहीं, वीकडेज है, तो इसलिए पूरा खाली है। अगर सैटरडे संडे रहता तो ये पूरा भर जाता हर जगह, यहाँ पर कोई भी स्पॉट रहता नहीं। इजंट इट ब्यूटीफुल डे, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पर और एक दूसरा स्पॉट है, उस तरफ जाऊँगा। यहाँ से शॉर्टकट पड़ेगा, तो यहाँ से शॉर्टकट पढ़ लेते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को जरूर दबाइए आने वाले वीडियो को पहले देखने के लिए। धन्यवाद।